इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जहां इंडिया ने जीत हासिल की। सो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को वार्म अप मैच में जो है एक दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। यार था तो वार्म अप मैच आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन में, लेकिन आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं कि रोहित शर्मा बहुत खुश होगा आज, इसलिए क्योंकि जो इंडिया का मेजर कंसर्न है अहेड ऑफ दिस वर्ल्ड कप वो इनकी अब बॉलिंग रही है, स्पेशली इन द डेथ ओवर्स। लेकिन भाई क्या कमबैक किया मोहम्मद शमी ने, कमाल। मतलब इट वाज लाइक मैं तो सिर्फ उसके एक वार्म अप मैच के तौर पे देख रहा था, आई जस्ट वांटेड टू सी के यार इंडियन बॉलर्स कैसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन जो शमी ने आखिरी ओवर कराया, एक चीज तो साबित होगी कि इस वर्ल्ड कप में यू नीड पेस, सेकंड यॉर्कर्स स्टिल द वे टू, बिकॉज इससे हमें भी पता लग रहा है कि बाकी टीम्स की फॉर्म क्या चल रही है इस टाइम। इंडिया ने हालांकि ऑस्ट्रेलिया को बड़े बड़े इजी मार्जिन से उनको हराया, आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे वो? देखिए जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडियम बात हो रही है वार्म अप मैच के बारे में। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्म अप मुकाबला हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने जबरदस्त जीत हासिल की। दोस्तों इस मैच में मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी की और लास्ट ओवर में 4 विकेट झटके, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन। मोहम्मद शमी आते हैं, उनको वापस बुलाया जाता है कि भाई जरा वापस आओ, ये आखिरी ओवर तो डालो, और आखिरी ओवर में 4 बॉलों पे 4 विकेट। सवेरा ने जिस तरह यूं किया ना, इसी तरह वो आया मोहम्मद शमी, इसी तरह वो आया, 4 विकेट, मतलब एक तो रन आउट हो गया भाई तो इसके अंदर, लेकिन 3 विकेट भाई। नहीं रन आउट भी हुआ और फिर खैर वो रन आउट भी मजेदार, और फिर उसके बाद ये क्या था, ये विराट कोहली का कैच था जो कि विराट ने ऐसी हाथ ऊपर किया और चिपक गई बॉल, मतलब थोड़ी देर को उनको भी नहीं अंदाजा हुआ कि अच्छा मैं लाइन पे हूं कि नहीं हूं। बट यस, ये तो सारा कुछ हुआ जो अभी अभी हमने ये हाल देखा और मैंने आपको आके बता दिया, बिकॉज ठक 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 4 विकेटें गिरती है ना, तो एक अजीब किस्म का, मुझे तो एटलीस्ट एक अजीब किस्म की एक्साइटमेंट हो जाती, चाहे वो वार्म अप मैच हो या कुछ हो। बट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड अ वेरी गुड वार्म अप मैच के हिसाब से बड़ी अच्छी हमें जो है वो दिखा, एक कंपेटिटिवनेस आपस में दिखी जिस तरह दोनों टीम ने मुकाबला किया। बट अगर जिस तरह शमी ने बिल्कुल एक्यूरेट यॉर्कर्स मारे हैं बेस ऑफ द स्टंप्स पे, ये दो चीजें अगर आप कर लें तो आप इवन दैट ओवर्स में इस वर्ल्ड कप में कामयाब हो सकते हैं। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर कराया है शमी ने लास्ट ओवर, मतलब 3 विकेटें ले गया और आखिरी 4 बॉलों पे ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में 4 विकेटें गिरी यार, मतलब दे लॉस्ट 6 विकेट्स फॉर जस्ट 9 रन। And at one stage they were looking comfortable, they were looking like they will win this warm up match, kyunki 187 ka target tha aur wo lag raha tha ki wo chase kar jayenge target, lekin eventually they lost by 6 runs and they needed just 7 in the last over, they couldn't get that, because matlab kamal ye tha ki Rohit ne Shami ko match mein khilaya nahi, na nayi ball di, kuch nahi di, Shami was just there around the ground warming up and all, but because it was a warm up match wo तो दोस्तों देखा मैंने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ की जा रही है। दोस्तों क्या मोहम्मद शमी के आने के बाद भारतीय टीम और मजबूत होगी या नहीं, इस पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।